विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक को तैयार करें, जहां पर कि आपका फिक्स नंबर, आपको पता है कि वहां पर आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है। ठीक है, बेसिकली इसमें हम लोग कंपोजिशन पोर्शन लेते हैं। कंपोजिशन में आपके एग्जाम में जो चीज पूछा जाता है उसमें अप्लीकेशन आता है, लेटर आता है, और एक उसी में ऐसे राइटिंग आता है। मतलब तीन चीजें आपकी फिक्स हैं, लेटर, अप्लीकेशन और ऐसे। इन तीनों में से दो चीज आपका पूछा जाना है। मतलब आपको अप्लीकेशन या लेटर में विकल्प मिल सकता है, ठीक है, कि मतलब प्रार्थना पत्र आप लिख रहे हैं या पत्र लिख रहे हैं। और उसके बाद निबंध आता है, ऐसे। ऐसे में क्या लिखना रहता है आपको पता है, कोई टॉपिक आपको दिया जाता है अकॉर्डिंग टू क्लास, मतलब जिस क्लास में आप हैं उस लेवल का एक मतलब टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पर आपको कंपोज करना रहता है, मतलब लिखना रहता है। अब वो 100 वर्ड्स हो सकता है, 200 वर्ड्स हो सकता है, 300 वर्ड हो सकता है, 500 और 600 वर्ड भी हो सकता है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्लास वो चीज, वो क्राइटेरिया आपकी क्या होती है, डेवलप होती। अब देखिए क्या है कि अगर हमको पत्र लिखना है, मान लीजिए हमने कहा पत्र, अब पत्र को हमने लिख दिया लेटर, ठीक, चलिए अंग्रेजी में हो गया लेटर। लेटर को हम क्या बोलते हैं, पत्र। अब पत्र को हमने दो क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया। पत्र को हमने क्या डिवाइड किया, दो। एक आपका प्रार्थना पत्र हो गया, ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, प्रार्थना पत्र। इस प्रार्थना पत्र को आप अप्लीकेशन बोलते हो, क्या बोलते हो, अप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र आपका हो गया। ठीक है, एक सिंपल केवल पत्र होता है, ये जो पत्र है, इस पत्र को हम देखिए दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक। एक क्या होता है आपका, हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मल लेटर हो गया, फॉर्मल लेटर्स, ये फॉर्मल लेटर हो गया, हमने लेटर लिखा। मतलब फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, ठीक है, और ये औपचारिक जो लेटर होता है इसी में आपका ये एप्लीकेशन भी हम कह सकते हैं आ जाता है। बस केवल इसमें क्या होता है, प्रार्थना पत्र जुड़ जाता है। और इसी फॉर्मल लेटर में ही आपका आता है जिसे हम बोलते हैं बिजनेस लेटर। क्या बोलते हैं, बिजनेस लेटर। मतलब अगर हमको व्यापार से रिलेटेड पत्र लिखना होता है तो हमारा किसके अंतर्गत आता है, फॉर्मल पे आता है, क्योंकि इसका एक मतलब फंडा होता है, एक टॉपिक होता है, उस क्राइटेरिया में ही हमको वो पत्र क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ठीक। अगली चीज क्या है, एक लेटर अगला हमारा जो होता है, जो हम पे मतलब इनफॉर्मली लिखते हैं, मतलब उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, हम इनफॉर्मली लिख देते हैं किसी को, इसको हम इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर। चलिए अब जो इनफॉर्मल लेटर होता है इसे हम अनौपचारिक पत्र बोलते हैं, औपचारिक हो गया और एक क्या हो गया, अनौपचारिक, ठीक। ये पत्र आपका अनौपचारिक हो गया, मतलब इनफॉर्मल लेटर। इसमें हम क्या होते हैं, हम किसी रिलेटिव को, रिलेटिव को पत्र लिखते हैं, या हम किसी फ्रेंड को पत्र लिखते हैं, ठीक है, या रिलेटिव में मतलब सब हो गया, जैसे मामा मामी कोई भी हो गया, आपका ये क्या हो गया, रिलेटिव हो गया। तो यहां पर हम इस चीज को नोट करते हैं। तो अब आपका क्या हो गया, प्रार्थना पत्र मतलब अप्लीकेशन, और इसी के बाद हम अप्लीकेशन का इसलिए अलग क्राइटेरिया ही बना दिए, और यहां पर हमने जो फॉर्मल लेटर लिख दिया इसमें केवल हमने आपको बिजनेस लेटर डाल दिया, और इनफॉर्मल में हमने क्या बता दिया, रिलेटिव का लेटर डाल दिया, ठीक। देखिए जो ये लेटर्स होते हैं ना, ठीक है, और इसी में कह दिया गया सरकारी होता है, अर्ध सरकारी होता है, गैर सरकारी होता है, ये सारा लेटर्स आपका मतलब डिवाइड है। जब आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वहां पर आपको लिखना पड़ता है, ठीक है, तो उसको आपको सीखना होगा, उसका क्राइटेरिया सीखना होगा। तो मतलब क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट लेटर क्या होता है, मतलब सरकारी, फिर अर्ध सरकारी, ठीक है, तो वो कैसे जारी किए जाते हैं या किस मतलब फॉर्मेट पर लिखे जाते हैं, वो भी आपको इसमें सीखना रहता है, ठीक।
लेकिन क्योंकि हमने टॉपिक लिया क्या आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको परीक्षा में क्या सीखना है, मेन चीज ए। परीक्षा में हम जो आपके बार आपको मतलब एग्जाम में देने वाले हैं, आप लोग पूरी तरीके से तैयारी रखिए, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जो आपको पढ़ाया गया है उसी में से प्रश्न पूछा जाएगा, बशर्ते ए कि जैसे आपको पढ़ाया गया आप उसको सही तरीके से क्या करिए, हैंडल करिए, लिखिए। इसमें जो आपके बार आप लोगों को हम पत्र बताने वाले हैं वो आपका है इनफॉर्मल लेटर, कि हम इनफॉर्मल लेटर किस तरीके से लिखते हैं। क्योंकि इसके पहले आपको एप्लीकेशन बताया गया, एप्लीकेशन का क्राइटेरिया, तो अब की बार हम लोग क्या सीखेंगे, इनफॉर्मल लेटर कि मतलब हम रिलेटिव को पत्र किस तरीके से लिखते हैं। वो रिलेटिव हमारा मदर हो सकता है, फादर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, उसके लिए हमको क्या लिखना है, पत्र लिखना है। ठीक, तो अब आपको यहां पर क्या समझ में आया, हमने कहा पत्र लिखना है, पत्र आपका प्रार्थना पत्र में हो गया जिसे हम एप्लीकेशन बोलते हैं, एक हमारा औपचारिक लेटर होता है, एक अनौपचारिक लेटर होता है, ठीक है। इन सारी चीजों को हम मतलब बाद में बताएंगे, आज आप लोगों को हम बेसिकली अनौपचारिक पत्र बताने वाले हैं। ठीक, चलिए इसको नोट भी करते चलिएगा आप लोग। देखिए क्या है, आप लोग अच्छी अच्छी चिट्ठी लिख लेते हो, हमको बहुत अच्छी जानकारी, ठीक है, बहुत अच्छी चिट्ठी लिखते हो, क्योंकि क्लास में कई बार हम चेकिंग में देखते हैं आप लोगों की चिट्ठी बहुत मतलब क्या होती, शानदार लिखी होती, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड लिखे होते, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखे होते, ठीक है। लेकिन जो लिखना होता है वो आप नहीं जानते हो, बाकी सारा कुछ आप लिख लेते हो। तो यहां हम आपको बता रहे हैं किस फॉर्मेट पर आपको पत्र लिखना है, यहां चुटका बना करके पत्र नहीं लिखना, एक फुल पेज आपका होना चाहिए, मतलब जैसे कहते हैं कि एक पेज पर आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है। और क्योंकि परीक्षा में केवल पैटर्न देखा जाता है, मान लीजिए कह दिया गया ये आपका पेज है, ठीक है, इस पेज पर आप मार्जिन लाइन ड्रा कर लेते हैं दोनों तरफ, मान लीजिए हमने कह दिया ये आपकी मार्जिन लाइन होगी, मार्जिन लाइन आप जानते हैं ना, मार्जिन लाइन का मतलब होता है ना तो ज्यादा जगह मतलब इतनी जगह इधर छुट्टी होनी चाहिए, इतना इधर छुट्टी होनी चाहिए। देखिए बेसिकली क्या होता है, हम जब लेफ्ट हैंड साइड होते हैं यहां पर ज्यादा जगह छोड़ते हैं, राइट हैंड साइड में कम जगह छोड़ते हैं, मतलब इधर अगर एक इंच छोड़ते हैं यहां पर आधे इंच जगह छोड़ते हैं। लेकिन लेटर में जगह छोटी होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहला ही क्राइटेरिया है क्या कि जिस पेज पर आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक, उस पेज पर मार्जिन लाइन बना दीजिए। ओके, अब देखिए हम आपको लेटर का फॉर्मेट बताएं, लेटर में क्या होता है, आपको राइट हैंड साइड में इस कॉलम में यहां कॉर्नर पर आपको एड्रेस लिखना होता है। मान लीजिए आप अपने एड्रेस के तहत जो भी आपके घर का एड्रेस है आप उसको डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट नकल करते समय क्या होता है, वही एड्रेस लिख देते हैं जो किताब में छपा होता है, पता चला किताब कहां की लिखी गई थी, मेरठ की, और आप रहते झूसी में हो और लिख दिया आपने मेरठ का एड्रेस, लिख दिया आपने 434 शिवाजी नगर, मान लीजिए यहीं पर लिख दिया अल्लाहपुर, इसके बाद क्या लिख दिया प्रयागराज, और ब्रैकेट में डाल दिया मान लीजिए अलाहाबाद, ठीक है आपने लिख लिया। चलिए ये आपका एड्रेस हो गया, बस थोड़ा सा सुंदर होना चाहिए, मतलब दोनों लाइन आपकी सीध में लगनी चाहिए, और यहीं पर आपने लिख दिया क्या नीचे, आपने लिखा अपना पिन कोड नंबर, ठीक, इतना लिख दिया। इसके बाद आप क्या लिखते हैं, यहीं पर आप डेट डालते हैं, मान लीजिए जिस डेट को आपको पत्र लिखना हो वो डेट भी यहीं पर डाल देते हैं, लेकिन कभी भी ऊपर नाम मत लिखिएगा, इतना ध्यान रखिए। चलिए हमने लिख दिया, मान लीजिए यहां पर आपने आज अगस्त फर्स्ट, क्या लिखा, अगस्त फर्स्ट, अगस्त फर्स्ट 2021 को आपने लिख लिया, ठीक, आपने डेट डाल दिया। या ऐसा भी लिख सकते हैं, मान लीजिए डेट का कई क्राइटेरिया होता है, 18 करके लिख सकते हैं, अपने तरीके से आप लिख लीजिए, ठीक।
अब इतना कॉलम आपका क्लियर हो गया, मतलब किसका, एड्रेस का। सबसे पहले आपको एड्रेस ध्यान में देना है, लेकिन ऊपर आपको अपना नाम नहीं लिखना है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद आप क्या लिखते हैं, किसको पत्र लिख रहे हैं, यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं डालना, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसको लिखते हैं। मान लीजिए आपने लिखा डियर, ठीक। अब यहां पर आपने लिखा फ्रेंड, क्या लिखा, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र। अब आगे लिख सकते हैं डियर फ्रेंड, मान लीजिए कुछ भी लिख दिया, अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखे, बस केवल डियर फ्रेंड लिख दिया, ठीक। आज चलिए हम कहते हैं 1 अगस्त के अकॉर्डिंग को आप पत्र लिखते हो, ठीक है, क्या विश करते हो अपने फ्रेंड को, क्या फ्रेंडशिप डे की विश करते हो, आपको पत्र लिखना है। अब इतना आपको पता हो गया, अभी देखिए आपको आउटलाइन बताते हैं, उसके बाद आप बॉडी बनाते हैं, इतना हो गया। इसके बाद यहां पर डियर फ्रेंड लिख दिया, एक काम यहां कंप्लीट हो गया, यहां पर हो गया। यहां पर हम लिखते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, ये नीचे वाला कलम जो इसी के राइट हैंड साइड में, यहां पर देखिए हम लिखते हैं योर्स, ठीक, आपका। अब क्या हो सकता है, लविंग फ्रेंड हो सकता है, सिंसियरली हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन वाई कैपिटल से होगा, इसको समझ लीजिएगा। हमने लिख दिया योर्स लविंग फ्रेंड, योर फेथफुल फ्रेंड, योर सिंसियरली फ्रेंड, कुछ भी आप यहां पर एक कॉलम लगा सकते हैं और नीचे ब्रैकेट में अपना नाम लिख सकते हैं, यहां अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना चीज आपका कंप्लीट हो गया, आपका लेटर। अब यहां आप लिखना क्या चाहते हैं, डियर फ्रेंड, ठीक है। मान लीजिए यहां पर लिखा गया आई एम वेरी ग्लैड टू inform you that, ठीक है, I have, ठीक है, scored well in my board examination, ठीक है, मतलब कि मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा अंक अर्जित किया है। आपने इतना लिख लिया, अब अपने लिए लिख दिया एंड, अब यहीं पर लिख दिया आई, ठीक है, एक्सपेक्ट यू हैव आल्सो, ठीक है, got good marks in the examination, ठीक है, आप भी परीक्षा में क्या है अच्छे अंक अर्जित किए होंगे। अब इतना हो गया, मेरी एक्सपेक्टेशन हो गई। अब आगे क्या लिखते हैं, टुडे, ठीक है, इज known as friendship day, ठीक है, आज का दिन किसके नाम से जाना जाता है, फ्रेंडशिप डे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। We wish, we नहीं यहां पर लिखेंगे, अब भी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, I wish you a happy फ्रेंडशिप डे, ठीक है। अब इतना लिख दिया, बस पत्र में बहुत कुछ लिखना नहीं होता है, इतना ही लिखना होता है, नंबर आपका इसी पर भी डिपेंड करता है। अब आपने यहां पर लिख लिया एड्रेस डाला, एड्रेस डालने के बाद आप यहां पर क्या लिखते हैं, जो भी आपको अभिवादन करना रहता है, रिगार्ड करना रहता है, आप उसको लिखते हैं, ठीक है। यहां पर आप लविंग फ्रेंड लिखते हैं या सिंसियरली लिखते हैं, बस इतना ध्यान रखना होता है वाई कैपिटल से लिखा जाता है, बाकी चीजें स्मॉल से आपका चल जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन होगा तो उसको किस में लिखना पड़ेगा, मतलब कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। नीचे अपना नाम लिख सकते हैं कब, जब पत्र वास्तव में लिखेंगे तो, नहीं तो मान लीजिए इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक।
और बॉडी में जो भी चीज आप डालना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो उसको क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के पत्र के बारे में सीखेंगे। आप लोग ऐसी पत्र लिख करके इसकी क्राइटेरिया बना लिए और सीखिए। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।